हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आजकल मार्केट में खूब सारी सब्जियां आ रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं घर पे पाव भाजी बनाऊं तो मैंने पाव भाजी बनाई तो घर वालों को इतनी पसंद आई कि वो अंगूले चाटते ही रह गए और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये पाव भाजी शेयर करूँ तो ये सिर्फ मैंने कुकर में ही बनाया है सब कुछ मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं किए हैं कुकर में उबालना छोंखना सब कुछ मैंने कुकर में ही किया है तो चलो शुरू करते हैं तो हम लेंगे एक कुकर इसके अंदर मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल डाला है और इसमें इतना इतना बड़ा एक बटर का क्यूब डाला है और ये अच्छे से मेल्ट होने के बाद इनमें आधी छोटी चम्मच हमने जीरा डाला है जीरा चटकने के बाद हमने कम से कम तीन चार मीडियम साइज के प्याज को इस तरह चॉप कर लिए हैं मैंने मेरे पूरे परिवार के लिए पाव भाजी बनाई थी तो मैंने तीन चार मिनट तीन चार प्याज लिए थे इस तरह से चॉप कर लिए हैं और ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और अब हम लेंगे कम से कम छः सात टमाटर तो इसको इस तरह से रफली कट करके और मैंने तीन चार लाल मिर्च को उबाल के रखा था वो भी इसमें डाल दिए हैं और दो चम्मच हमने डाली इसमें लाल मिर्च पाउडर तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है तो मैंने इसको पीस लिया है एकदम बारीक से ये देखिए इस तरह से हमने पीस के रख लिया था अब हम लेंगे पत्ता गोभी तो एक मैंने पत्ता गोभी ली है और मटर ली है आलू लिए हैं और हरी मिर्च ली है और इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके फूल गोभी ली है और इनको अच्छे से वॉश करके हमने रख लिया है और ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन से हो गए हैं अब ये जो मैंने टमाटर का जो प्योरी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स इसे कम से कम चार पाँच मिनट तक मिक्स करते रहना है और अब इसमें हम डालेंगे मसाले तो मैंने दो चम्मच इसमें नमक डाला है आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है और इसमें दो चम्मच हम डालेंगे पाव भाजी मसाला अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चटपटी पसंद है तो आप एक चम्मच पाव भाजी मसाला और भी डाल सकते हैं और इसको कम से कम सात आठ मिनट तक चलाएंगे और और ये देखिए मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब हम जो भी सब्जियां कट करके रखी थी वो सारी एक साथ ही डाल देंगे इस तरह से फ्रेंड्स और गैस का फ्लेम हमें एक बार मीडियम ही रखना है और ये सारी की सारी सब्जियां हमने कुकर में डाल दी हैं तो मैंने पूरे परिवार के लिए पाव भाजी बनाई है इसलिए मैंने ज़्यादा पाव भाजी बनाई है तो इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि मसाले अच्छे से सब्ज़ियों में लिपट जाएं और इसमें हमने जो मिक्सी के जार में टमाटर पीस के रखा था इसके अंदर हमने एक गिलास पानी डाल के और ये मैंने डाल दिया है और इन्हें करेंगे मिक्स ये देखिए इस तरह से मिक्स करके अब हम एक काम करेंगे इसको कवर करके रख देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और एक या दो सीटी आने तक हमें इसको सिकाना है फ्रेंड्स ये देखिए सब्जियां अच्छे से गल चुकी है और हमने इसको कुकर को खोल के देखा अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे कि सारी सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ये देखिए हमने सारी सब्जियां मिक्स कर दी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मज़ा आ गया अब इसमें हम लगाएंगे एक छौंक तो मैंने एक नॉन स्टिक लिया था उसमें मैंने एक चम्मच ऑयल डाला और थोड़ा सा हमने इसमें बटर डाला है और इसमें एक चम्मच लाल पाउडर मिर्ची पाउडर डाल के इसमें छौक लगा दिया है ये देखिए पाव भाजी का कलर कितना सुंदर आया है इतनी टेस्टी पाव भाजी इतनी इजी पाव भाजी कि हमने कुकर में ही सारी की सारी बना के रख ली ज़्यादा बर्तन भी नहीं हुए फटाफट अब हम लेंगे नॉन स्टिक तवा इस पर इस तरह से बटर को मेल्ट कर दिया है इसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और जो पाव भाजी जो हमने भाजी बनाई थी वो इसमें थोड़ी सी डाल के और इस तरह से पाव की हम सिकाई करेंगे और इस पर थोड़ा सा ऊपर हमने बटर लगा दिया है इस तरह से फ्रेंड और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है कि इसको करारी से हमें सिकाई करनी है और इसको हमने उलट पलट दिया है और ये देखिए ये पाव भाजी ये पाव है ये सिक्के के तैयार हो गए हैं और भाजी के साथ ये खाते हैं तो इतने टेस्टी लगते हैं मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स और इसमें कच्चे प्याज हरी मिर्च नींबू के साथ अगर आप खाएँगे तो बस पूछो ही मत कितना टेस्टी लगेगा और ये देखिए हम प्लेटिंग करते हैं और फ्रेंड आप भी इस तरह से कर पे पाव भाजी ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने भी इस तरह से पाव भाजी बनाई तो कैसी बनी है और अच्छी बनी या कैसी भी बनी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की थैंक यू बाय बाय